मैं सबकी बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा डिश बना रही हूँ और सभी लोग ये बहुत शौक से खाते हैं, दही पकौड़ियाँ और दही बड़े। मैं आज यहाँ पे दही पकौड़ियाँ बना रही हूँ। दही पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी उसमें ऑब्वियसली पकौड़ियाँ, अनियन, एक बॉल बॉइल्ड पोटैटो, ग्रीन अनियन, ग्रीन पेपर, टमाटो, थोड़े से ड्राई पुदीना, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो ठीक है, ग्रीन सिलेंट्रो, फ्रेश धनिया, इमली की चटनी, एक कप योगर्ट, ये जो योगर्ट वाला कप होता है इससे ज़्यादा भी यूज़ हो सकती है लेकिन मैंने एक कप योगर्ट लिया है, चाट मसाला, बॉइल्ड चने, यहाँ पे मैंने चॉप्ड ऑनियन पहले ही कर लिए थे वो मैं इस बॉल में शामिल करूँगी। उसके बाद आप ग्रीन चिली बारीक बारीक अच्छी तरह चॉप कर लें। टू मीडियम साइज टमेटो इनको भी चॉप कर लें। ऑनियन और गार्निशिंग इनको भी आपने अच्छी तरह बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये ग्रीन ऑनियन चॉप करके आपने गार्निश के लिए रख ली हैं। ये आपने पुदीना भी, ग्रीन ऑनियन भी और ग्रीन धनिया, ये तीनों चीजें गार्निश के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे टमाटर्स और ऑनियंस और ग्रीन चिली मैंने चॉप कर ली है। अब इसमें मैं चिकपीस शामिल करूंगी, ये पोटैटो शामिल करें इसमें, इसको हल्का सा मिक्सअप करें स्लोली स्लोली लाइट हैंड से। उसके बाद इसमें ये पकौड़ियां शामिल करूंगी, और साथ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा धनिया, हरा धनिया हम बचा लेंगे गार्निश के लिए, थोड़ा इसमें शामिल करेंगे। दो से तीन टेबलस्पून चाट मसाला, डिपेंड करता है आपके पास कितनी क्वांटिटी है दही पकौड़ियों की, उसके हिसाब से आप मसाला डाल लें इसमें और साथ साथ इसको थोड़ा सा चख लें। टीस्पून नमक डाल के उसको अच्छी तरह दही को फेंट लें, बिल्कुल अच्छी तरह से एक जैसी सॉफ्ट हो जाए दही, ताकि और नमक भी इसमें एक टीस्पून डाल के मिक्स कर लें ताकि आपकी दही फीकी ना लगे। अब इसको मिक्सिंग बाउल से निकाल के सर्विंग बाउल में मैं डाल रही हूँ, जहाँ पे आपने इसको सर्व करना है, जो टेबल पर रखना है, मेहमानों के सामने रखना है, जहाँ पे भी आपने सर्विंग बाउल में इसको रखना है मैं उसको इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं दही ऊपर से पोर करूंगी। मेरे दही थोड़ी सी सख्त है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और दूध डाल के इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लूं, क्योंकि दही यहाँ पे मुझे बहुत थिक लग रही है। दही को मैंने हल्का सा सॉफ्ट मोर कर ली है, थोड़ा सा पतला कर ली है, ताकि इजी तरह से ये पकौड़ियों में, आलू में और मटेरियल में मिक्स हो जाए। अगर ज्यादा थिक दही होगी तो उसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा और आपको इतने अच्छे उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा थिक लगेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपने दही को ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में दही को होना चाहिए जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह
तरह इसकी कंसिस्टेंसी होगी है और दही पकौड़ियों में और आलू और चनों में अच्छी तरह मज़ेदार किस्म की मिक्स हो गई है, ज़बरदस्त लुक लग रही है इसकी। अब मैं इसको गार्निश करूँगी हरे प्याज। हरा पुदीना, मेरे पास ड्राई हरा पुदीना है, मेरे पास फ्रेश हरा पुदीना है नहीं, इसलिए मैं ड्राई हरा पुदीना यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश हरा पुदीना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हरा धनिया, यम यम, लुक सो गुड, सो एपिटाइजिंग। थोड़ा सा ये मेरे पास दही बड़े का मसाला है, इसको मैं ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी फॉर जैसा लुक, क्योंकि इसमें नमक मिर्च मसाला सब बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ मैं इसको लुक देने के लिए हल्का सा ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और थोड़ी सी इमली की चटनी, एंड में उसको थोड़ा सा क्रंच मोर देने के लिए हल्की सी पापड़ी। ये ना भी आप डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डालेंगे तो इसमें बहुत मजे का क्रंच भी साथ आएगा। तो ये हमारी तैयार होगी है दही पकौड़ियाँ विद पापड़ी। ज़बरदस्त किस्म की दही पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं और मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं इसको जल्दी जल्दी खा लूँ। तो प्लीज़ व्यूवर, आप भी जाएं अपने किचन में और आज मज़ेदार सी किस्म की दही पकौड़ियाँ बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें और मज़े मज़े के खाने बना के इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, बाय।